हमारी आंखों के सामने से कुछ ऐसे मल्टीबैगर शेयर जो लाखों हजारों परसेंट का प्रॉफिट निकाल कर देते हैं और हमारी आंखों के सामने से निकल निकल जाते हैं और हम उनको बाय नहीं कर पाते हैं सिर्फ ओनली किसके लिए कि वो शेयर प्राइस आज बहुत ज्यादा है लेकिन वही शेयर प्राइस अगर 10 साल 15 साल बाद 20000 पर 15000 पर पहुंच जाए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आप आज ये सोचकर बाय नहीं कर पा रहे हो कि आज इसकी शेयर प्राइस सात हजार आठ सौ सतासी है, सो है। तो एक टाइम वो आएगा जब ये शेयर दस हजार पर भी ट्रेड कर रहा होगा और तब भी आप होंगे। जैसे कि आज आप आपने के बारे में मैं इससे पहले भी इस पर एक वीडियो बना चुका था काफी दिन पहले बनाया था लेकिन दोस्तों अभी जो मार्केट में गिरावट चल रही है इसी मार्केट की गिरावट में कुछ लोग करोड़पति बन जाते हैं चुटकियों में चुटकियों का मतलब है थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखा करके और आपको पता नहीं चलता कि वो कैसे बन गए दो, देखो दोस्तों शेयर मार्केट से पैसा कमाने का कोई राज नहीं है बस आपको थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी सही तरीके से एनालिसिस करके शेयर में पैसा लगाना पड़ेगा सो ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं आपको इसको बारे में बता दूं। आईटी सेक्टर एक कंपनी है उनचास हज़ार सौ करोड़ का मार्केट कैप है आर देख सकते हो कितना अच्छा ऐसे इसका आर ओ भी काफ़ी अच्छा है कंपनी के पास बोरोइंग भी नहीं है तो मैं आपके पास यहाँ पर आप दिखा देता हूँ देखो कंपनी इज लगभग डेट फ्री कंपनी है जीवी ग्रुप प्रॉफिट ग्रोथ पच्चीस परसेंट के सी हजार से कंपनी है रिटर्न ऑन इक्विटी गुड थर्टी वन परसेंट का आर ओ ही है और हेल्थी डिविडेंड भी देती है छप्पन परसेंट का तो यहीं पर यहीं से पता चल जाता है कि कंपनी के पास डेट भी नहीं है क्वार्टरली डेट की बात करते हैं तो दोस्तों कितनी ग्रोथ हुई है चार सौ पच्चीस से चार सौ चार सौ यहाँ पर कितना चार सौ 635 से छ सौ बयासी करोड़ और नेट प्रॉफिट देखोगे आप एक सौ इक्यावन से एक सौ साठ करोड़ और ईयरली बात करते हैं तो अठारह करोड़ से चौबीस करोड़ और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो तीन करोड़ से पांच करोड़ सीधा पांच करोड़ पहुंच गया रिजर्व देखोगे आप कंपनी के पास पंद्रह सो उनतालीस करोड़ का और केवल एक सौ उनतालीस करोड़ की बोर रहेंगे जो कि नहीं है कंपनी डेट फ्री है और होल्डिंग की बात करते हैं कंपनी के पास शेयर होल्डिंग के पास चवालीस uh, परसेंट से ज़्यादा की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है एफ आई ए वालों ने भी काफ़ी अच्छे माल उठा रखा है इस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है डी ए वालों ने थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ा दी सॉरी कम कर दी है तो मैं बात करता हूँ मैन की कंपनी कैसी है सर कंपनी बहुत अच्छी है सर कंपनी सिक्का बोलते हैं ना जिसको गोल्ड कॉइन गोल्ड कॉइन जिसको बोलते हैं ना वो वाली कंपनी है ये ठीक है टाटा गलेक्सी फ्यूचर है दोस्तों सर इसका इसका फ्यूचर है आईटी सेक्टर की कंपनी है फ्यूचरिस्टिक कंपनी है आज इसमें पंद्रह परसेंट की तेजी देखी गई है मैं आपको बता दूं इसी गिरावट में कुछ कुछ इन्वेस्टर लाखों परसेंट का प्रॉफिट निकाल कर निकल जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा याद रखना जब भी शेयर मार्केट में गिरावट होती है तो जितनी गिरावट होती है ना उससे तेजी से ज़्यादा रिकवर करता है आज के दिन ही देखो पंद्रह परसेंट की तेजी देखी गई है सो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है जिसके पास ये शेयर है वो केवल होल्ड कर सकते हैं जो लोग बाय करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं क्वार्टर रिजल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग आया है और कंपनी का देख सकते हो व, इसमें कोई गिरावट नहीं है वन ईयर में भी इस कंपनी ने एक सौ छब्बीस परसेंट का रिटर्न दे, दे रखा है इतनी मार्केट की वोलेटाइजर्स में भी कंपनी में कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही है थोड़ी सी गिरावट है तो आप यहाँ पर कुछ क्वान्टिटी ऐड कर सकते हो ये मत सोचना कि कभी ये शेयर दो हज़ार रुपये आएगा तब हम इसको बाय करेंगे इस कंपनी ने एक बार अपने आप को बोनस भी दे रखा है मतलब वन एस टू वन के रेशियो में दो हज़ार अठारह में सो कंपनी दस हज़ार के आसपास जाए तो हो सकता है बोनस भी दे सकती है सो तो अब जो लोग पहले से बाय करके चलेंगे उनको प्रॉफिट होगा ये मत सोचना है कि कंपनी द्वार पर आएगी तभी आप बाय करेंगे ये दो हज़ार पर आने वाली कंपनी नहीं है ठीक है दोस्तों सो तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब नाउ